क्या हाफिज सईद बनेगा पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री? कई आतंकियों को मिला टिकट, हिंदू महिला भी बनी दावेदार। लंदन से लौटे नवाज के खिलाफ चुनाव लड़ेगा हाफिज सईद का बेटा, क्या पाकिस्तान में नेताओं की होने वाली है छुट्टी? 8 फरवरी को होगा पाकिस्तान के वजीर आजम का फैसला, इमरान खान ने भरा पर्चा, पर चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। क्या अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? दुनिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद प्रधानमंत्री बनने वाला है। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में हाफिज सईद की पार्टी के कई नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के चुनाव लड़ने पर जहां सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं एक हिंदू महिला ने पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सामान्य सीट से पर्चा भरकर सबको चौंका दिया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाला चुनाव इस बार कई मायनों में खास होने वाला है, जिसके बारे में आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बात हाफिज सईद के चुनाव लड़ने की। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग पर पहले तो बैन लगा दिया गया था, इसलिए दोबारा से उसने पार्टी का नाम बदलकर पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग कर दिया और अब देश की सभी सीटों पर दावेदारी ठोकी है। इसीलिए घरों में छिपी पाकिस्तानी आवाम अब इस दहशत में है कि चुनाव प्रचार में अब इसकी पार्टी के लोगों को मना किया, वोट नहीं दिया तो अंजाम क्या होगा। हाफिज सईद का बेटा तल्ला सईद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। लाहौर की NA-127 तल्ला सईद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट से इमरान खान ने भी पर्चा भरा है। हालांकि इमरान खान के चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि तोशाखाना के मामले में उन्हें 3 साल की जेल हुई है। नियम के मुताबिक कोई भी सजा याफ्ता कैदी चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाईकोर्ट ने 5 दिन पहले ही इमरान की वो याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इमरान के चुनाव लड़ने पर 5 साल के लिए रोक लगाई हुई है। हालांकि इमरान खान की कानूनी टीम इसके विकल्पों की तलाश में जुटी है। पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि इमरान का चुनाव न लड़ पाना नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। हालांकि इमरान खान को अगर सिंपैथी वोट मिल गया तो फिर नवाज के दोबारा से कुर्सी पाने के ख्वाब को झटका लग सकता है। मजेदार बात यह है कि इस बार सामान्य सीट से एक हिंदू महिला ने दावेदारी पेश की है, जिसका नाम है सबीरा प्रकाश। बुनेर जिले की PK-25 सीट से सबीरा ने पाकिस्तान पीपल्स लीग की ओर से नामांकन दाखिल किया। सबीरा के पिता ओम प्रकाश पेशे से डॉक्टर हैं और 35 साल से बिलावर भुट्टो की पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबीरा ने एडबाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और महिला मोर्चा की महासचिव हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव मोदी सरकार ने संसद में पास किया है, इसलिए भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान ने भी महिलाओं को आरक्षण देने का प्लान बनाया है। लेकिन वहां सामान्य सीटों पर महिलाओं को 5% आरक्षण देने की बात सामने आई है और इसी कोटे से सबीरा ने नामांकन भरा है। एक तरफ जहां हाफिज सईद जैसे लोग पार्टी बनाकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोगों को चुनौती देती सबीरा प्रकाश जैसी दिलेर महिला पाकिस्तान में हिंदुओं और महिलाओं की हालत बदलने के लिए आगे आ रही है, जो काबिले तारीफ है। पर सवाल यहां पर कि जीतने के बाद वो अपनी कौम के हित की कितनी बात करती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की पार्टी में रहकर ऐसा काम करने की उम्मीद कम ही नजर आती है, जो पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का हमदर्द बन गया है। वहाँ हाफिज के चुनाव लड़ने की खबर ने क्या आपको भी चौंकाया, या आपने भी पहले ही मान लिया था कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है?